बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं खेल की खास खबर। दिल्ली कैपिटल्स ने 7 साल बाद किया यह कमाल। देखिए पॉइंट्स टेबल में कौन आगे कौन पीछे। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में रविवार यानी 28 अप्रैल को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटाला मैदान में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 16 रनों से हरा दिया। वहीं कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 रन से जीत दर्ज की है। दिल्ली ने बैंगलोर के खिलाफ जीत दर्ज कर इतिहास रचते हुए 7 साल बाद आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बना ली और प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले चेन्नई ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। वहीं हार के साथ बैंगलोर का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया है। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता की टीम ने लगातार 6 हार के क्रम को तोड़ते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद को जीवित रखा है, जबकि मुंबई को 5वीं हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली ने आरसीबी को हरा प्लेऑफ की ओर बढ़ाए कदम। कोहली की टीम हुई बाहर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2019 के 46वें मैच में रविवार 28 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 16 रन से हराते हुए अपनी 8वीं जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाए। तो वहीं आरसीबी 8वीं हार के साथ अगले दौर की रेस से बाहर हो गई है। जीत के लिए मिले 188 रन के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। दिल्ली की टीम 2012 के बाद से पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है। मुंबई 18 बार दे चुकी है कोलकाता को मात। जानिए दोनों टीमों की संभावित 11। आईपीएल 2019 के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में होगा। लगातार 6 मैच गवा चुकी कोलकाता की टीम के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी है। वहीं मुंबई की टीम अब तक 7 मैच जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में 2नंबर पर है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।